नरेंद्र मोदी लड़ सकते हैं इंदौर से चुनाव? क्या कहना है जनता का? आप सभी का स्वागत है चुनाव रण में और आप देख रहे हैं घमासान.com। क्या इंदौर से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी? इंदौर की लोकसभा सीट को लेकर भाजपा अस्पंजन की स्थिति में है। ताई का टिकट कटने की खबर चलने के बाद आज एक नई खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के अलावा इंदौर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा इंदौर पर? क्या सच में भी इंदौर की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी इंदौर से चुनाव लड़े? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी इंदौर से चुनाव लड़ेंगे? देखिए इस खास खबर में। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का टिकट 75 वाला फार्मूला लागू करने के कारण कट सकता है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और मेयर मालिनी गोट के नाम पर भी चर्चा हुई है। इस बीच आईडीए के पूर्व अध्यक्ष शंकर लालवानी भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जो टिकट चाहते हैं। उनके लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगे हुए हैं। अभी तक प्रदेश में जो लोकसभा टिकट तय हुए हैं उन मामलों में शिवराज सिंह चौहान की सबसे ज्यादा चल रही है। ये बात भी सही है कि ऐन वक्त पर कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट मिल सकता है। ऐसे में यदि इंदौर को लेकर ज्यादा विवाद हुआ है तो मोदी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने से प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जान आ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय दिग्विजय सिंह ने जब से मैदान संभाला है तब से भाजपा भी सकते में आ गई है। इसी कारण भोपाल का टिकट भी तय नहीं हो पाया। वर्तमान में वहां के सांसद आलोक संजय ने खुद कह दिया कि अब भोपाल लोकसभा सीट पर रोचक मुकाबला हो सकता है और शिवराज सिंह चौहान का नाम भोपाल लोकसभा से लगातार चल रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।